पावन नवरात्रों में सभी जगह माता की आराधना हो रही है। वहीं इनमें मालवा का एक गांव ऐसा भी है जिसकी पहचान ही माँ से है। बेटमा का नाम ही बैठी माँ का उपकृत नाम है, जहाँ बैठी माँ से ही धीरे धीरे बेटमा हुआ। देखिए ये खास रिपोर्ट। बेटमा बहुत पुराने ऐतिहासिक कस्बों में गिना जाता है। इसका इतिहास राजा भोज के समय से निकल कर के आता है। होलकर कालीन समय में 16वीं से 17वीं शताब्दी के बिजनौर में माँ अन्नपूर्णा के मंदिर की स्थापना करनी थी। इसके लिए गुजरात से एक प्रतिमा बुलाई गई थी। मूर्ति को ले जाते वक्त बेटमा के धार दरवाज़ा में रथ फंस गया और बेटमा के धार दरवाजे पर ही माँ अन्नपूर्णा माता की प्रतिमा को उतारा गया। फिर इस मूर्ति को यहाँ से उठाने के लाख प्रयास भी असफल हुए। इसलिए इसी स्थान पर माँ भगवती की मूर्ति लंबे समय तक बैठी रही, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में इसे बैठी माँ के नाम से जाना जाने लगा। मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना, बेटमा नगर में स्थापित है ये। और यहाँ पर एक किंवदंती बनी हुई है कि यहाँ से ये रथ माता जी का कहीं स्थापित होने के लिए जा रहा था। गुजरात का कोई व्यापारी ये मूर्ति लेके इधर इंदौर में स्थापित करने के लिए लाए थे। 1000 वर्ष के आसपास की बात है, 800 साल होगा करीब। और ये मूर्ति को यहाँ पर उतारा गया, यहाँ एक नदी थी उसमें उतारा गया, तो रथ फंस गया था। तो यहाँ से फिर मूर्ति को नीचे उतारा इन लोगों ने, जो उस समय सैनिक वगैरह थे उन्होंने, फिर उस रथ को निकाला, फिर मूर्ति को वापस से उठाने की कोशिश की गई तो यहाँ से मूर्ति नहीं हिली। हाथी घोड़े से खींचने की कोशिश की, बाकी नहीं हिली। तो यहीं पर यह माता अन्नपूर्णा का मंदिर स्थापित किया गया और यह काफ़ी पुराना मंदिर है। यहाँ पर सप्तमी के दिन निसंतान दंपतियों की गोद भरी जाती है और उन्हें माता अन्नपूर्णा की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। यह माँ अन्नपूर्णा अन्न धन से पूरे नगर में, पूरे जिले में, यहाँ के आसपास जितने भी लोग इनके दर्शनार्थी जो आते हैं और जो अपनी मनोकामना यहाँ पर कहते हैं, वो सब माँ अन्नपूर्णा पूर्ण करती है। बोली अन्नपूर्णा मैया की जय। अन्नपूर्णा मंदिर पुजारी, इस नगर का नाम बेटी माँ से बेटमा के नाम से प्रचार हुआ है। माँ भगवती यहाँ बेटी है, विराजमान हुई है, तो इसे इसका नाम बेटमा पड़ा है। और यहाँ पर आज सप्तमी काल रात्रि का महास्वरूप है। इस प्रकार माँ भगवती के यहाँ स्वस्तिक बनाने से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। धान से भंडार भरने वाली है। यहाँ 3 स्वरूप भगवती दिन में 3 स्वरूप लेती है। सुबह एक बालिका का रूप लेती है, दिन में सौम्य रूप लेती है और शाम को महारूप लेती है। इसी प्रकार यहाँ तीनों तीन 6 भुजाएँ भगवती की, 6 भुजाओं में 3 स्वरूप के दर्शन होते हैं। जय माता दी। ऐसी मान्यता है कि शारदीय नवरात्र की सप्तमी को निसंतान दंपत्ति को यहाँ अन्न से बने स्वास्तिक का अन्न से गोद भरने पर माँ उसे संतान सुख देती है। बेटमा से एमपी न्यूज़ के लिए भूपेंद्र पांचोली की रिपोर्ट।